हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद नवनीता। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल 5 मिनट्स का एक और रेसिपी है। यह है एग भुर्जी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने 4 एग्स लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 कप चॉप्ड ऑनियन, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज, और ड्राई स्पाइसेस में टर्मरिक पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी मैं सबसे पहले अंडे को एक बाउल में लेके उसको अच्छे से बीट करूंगी। देखिए, मैंने ले लिया है और इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। इसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और एक पैन में ऑयल हीट करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप अगर चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। उसके बाद मैंने चॉप्ड ऑनियंस ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से सॉटे करना है ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। इसको अच्छे से चलाते रहना है फ्रेंड्स, जब तक ये ऑनियन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। चेंज होके देख सकते हो आप, ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। कभी ट्राई करके देखिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बस 5 मिनट में हो जाता है आपका ये रेसिपी। और ये बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ। और ये जो जिंजर और ग्रीन चिलीज मैंने लिया है, ये 1 इंच जिंजर को मैंने बहुत बारीकी से काट लिया है, मतलब फाइनली चॉप किया है मैंने इसको। और 4 ग्रीन चिलीज मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप आपका टेस्ट के अनुसार यूज़ कीजिए ग्रीन चिलीज, जितना आपको चाहिए उतना यूज़ कीजिए। इसको भी अच्छे से आपको सॉटे करना है ऑयल में। उसके बाद मैं ड्राई स्पाइसेस दे दूंगी अभी यहाँ पे, टर्मरिक पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल ही तीखा नहीं होता है। ये सिर्फ कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। आपको अगर पसंद है तो कीजिए, अच्छा से मिक्स कीजिए इसको भी। उसके बाद बीट किया हुआ अंडे जो है मैंने रखे थे एक बाउल में, वो मैं इस पर डाल रही हूँ अभी। चलिए, डाल दिया मैंने अंडा और अभी इसको अच्छे से चलाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलाते रहना है ताकि ये अंडे अच्छे से कुक हो जाए। और मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 60 डिग्री में ही अंडे कुक हो जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलाते रहना है बीच बीच में। देखिए, मैं कंटिन्यूसली इसको स्टर कर रही हूँ। ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हो, नान रोटी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। इस वक्त मैं अभी नमक ऐड करूंगी और उसके बाद फिर से मिला लूंगी। देखिए, मैंने इसको पीसेस में कैसे ब्रेक कर रही हूँ मैं अंडे को, ताकि इसका बिल्कुल, इसका जो नाम है वो है एग भुर्जी, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। इसका टेक्सचर जो है ऐसा आएगा जैसा आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए, रेडी हो गया हम लोग का एग भुर्जी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये घर में, और बना के मुझे जरूर बताइए कैसा लगा मेरा ये नया रेसिपी आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो फिर मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू।